वेल फाउंडेशन इंट्रोडक्शन। यह डीप फाउंडेशन होता है। यह हेवी लोड के लिए सॉलिड और मासिव फाउंडेशन तैयार करता है। यह व्यापक रूप से भारत में ब्रिज पियर और अपार्टमेंट में होता है। यह वहाँ भी उपयोगी है जहाँ अपलिफ्ट लोड बड़ा है, उदाहरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन टावर। टाइप्स ऑफ वेल और कैजन्स। ए ओपन कैजन्स, बी बॉक्स कैजन, सी पेन्यूमेटिक कैजन। ओपन कैजन्स वेल्स। इस कैजन का टॉप और बॉटम पार्ट कंस्ट्रक्शन के समय खुला होता है। यह सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ओबलोंग या इनके अलावा किसी शेप का हो सकता है। इसका कटिंग एज साइट पर ही बनाया जाता है। इसके ऊपर वेल कर्व और वेल शाफ्ट बिल्ट होता है। यह कैजन सेगमेंट सॉइल के अंदर सिंक किया जाता है। यह सिंकिंग तब तक होता है जब तक यह रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच नहीं जाता है। कैजन शाफ्ट के सिंक करने के बाद बॉटम को कंक्रीट से सील्ड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग बॉटम प्लग कहते हैं। इसके बाद शाफ्ट को सैंड से भर दिया जाता है। यह किसी भी डेप्थ तक कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है और इसका निर्माण लागत अपेक्षाकृत। ओपन कैजन के नुकसान। जिस सॉइल में बोल्डर डिपोजिशन होता है वहाँ इसका कंस्ट्रक्शन स्लो होता है। कंक्रीट सील्ड वाटर के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है। इसके बॉटम का निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह पिक्चर ओपन कैजन्स वेल का है। वेल फाउंडेशन के कंपोनेंट्स। ए वेल कैप, बी स्टेनिंग, सी कर्व, डी कटिंग एज, ई बॉटम प्लग, एफ ड्रेज होल और जी टॉप प्लग। ए वेल कैप। यह एक आरसीसी स्लैब है जो कि वेल स्टेनिंग के ऊपर होता है। आमतौर पर यह स्टेनिंग के साथ मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है। यहाँ मोनोलिथिकली का मतलब हम यह कह सकते हैं कि वेल कैप और स्टेनिंग टॉप एक साथ कास्ट होता है। यह सुपर स्ट्रक्चर वाले लोड को वेल स्टेनिंग में ट्रांसफर करता है। नीचे दिखाए गए पिक्चर में आप वेल कैप को देख सकते हैं। बी वेल स्टेनिंग। इसे हम वेल फाउंडेशन का मेन बॉडी कह सकते हैं, जो कि लोड को सब सॉइल में ट्रांसफर करता है। यह सिंकिंग के समय कॉफर डैम की तरह एक्ट करता है और इसके वेट के वजह से स्टेनिंग आसानी से सिंक करता है। सी वेल कर्व। स्टेनिंग के लोअर पोर्शन में वेल शेप का पार्ट वेल कर्व कहलाता है। यह सिंकिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। नीचे दिखाए गए पिक्चर में आप वेल फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट देख सकते हैं। डी कटिंग एज। यह वेल कर्व का सबसे निचला भाग होता है। यह सिंकिंग के समय सॉइल को कट करता है। ई बॉटम प्लग। आप नीचे बॉटम प्लग के पिक्चर को देख सकते हैं। जब वेल स्टेनिंग रिक्वायर्ड डेप्थ तक सिंक करता है तो उसके बॉटम को कंक्रीट से प्लग किया जाता है, जिसे हम बॉटम प्लग कहते हैं।
यह लोड का ट्रांसफर सबसॉइल में करता है। एफ ड्रेज होल, वेल सिंक करने के समय जब सॉइल को वेल के अंदर से निकाला जाता है तो जो होल वेल के अंदर बनता है उसे ड्रेज होल कहते हैं। यह बाद में सैंड द्वारा भर दिया जाता है। यह सैंड सुपर स्ट्रक्चर के लोड को बॉटम प्लग पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी टॉप प्लग, यह कंक्रीट प्लग है जिससे कि वेल स्टेनिंग के सैंड को कवर किया जाता है। यह एक तरह का कंटैक्ट सैंड फिलिंग और वेल कैप के बीच बनाता है। कटिंग एज कर्व, स्टेनिंग सेगमेंट, लिफ्ट बाय लिफ्ट सिंकिंग, बॉटम प्लग, सैंड फिलिंग, इंटरमीडिएट प्लग, वाटर फिलिंग, टॉप प्लग, कैप, स्पीयर शाफ्ट, बियर कैप, बियरिंग, फाउंडेशन टू सबस्ट्रक्चर कंप्लीटेड। अब हम वीडियो दो में देखेंगे। इसमें वेल फाउंडेशन के सेक्शन को काट कर दिखाया गया है। कटिंग एज कर्व, स्टेनिंग, लिफ्ट, लिफ्ट बाय लिफ्ट सिंकिंग, सैंड फिलिंग, इंटरमीडिएट प्लग, वाटर फिलिंग, टॉप प्लग, कैप, पियर शाफ्ट, पियर कैप, बियरिंग, टॉप टू बॉटम फाउंडेशन से सब स्ट्रक्चर कंप्लीट बन चुका है। इस पिक्चर में वेल फाउंडेशन के शेप को दिखाया गया है। ए सर्कुलर वेल, बी डबल डी वेल, सी डबल ऑक्टागोनल वेल, डी रेक्टेंगुलर वेल, ई डबल रेक्टेंगुलर वेल, एफ डम्बेल, जी मल्टीपल ड्रेज होल वेल। वेल फाउंडेशन के शेप्स पियर और एबटमेंट के डायमेंशन पर वेल का शेप डिपेंड करता है। ज़्यादातर सर्कुलर शेप का ही वेल यूज होता है। इसका
अपने एरिया की तुलना पेरीमीटर कम होता है, इसलिए यह सिंक करने के लिए आइडियल सेक्शन माना जाता है। इस शेप के वेल को आसानी से सिंक किया जाता है। यदि वेल सर्कुलर होता है तो सभी डायरेक्शन में ड्रेस्ड होल से कटिंग एज का डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसके कारण यह यूनिफॉर्मली सिंक करता है। सर्कुलर वेल फाउंडेशन के डिसएडवांटेज। यदि लार्ज ओबलोंग पियर है तो उस कंडीशन में, पहला, हमें लार्ज डायमीटर का वेल चाहिए जो कि कॉस्टली होता है। दूसरा, दो या तीन वेल को पास पास में ही सिंक करके उसके ऊपर वेल कैप कर दिया जाता है। यहाँ वेल तो आसानी से सिंक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पास होने से दूसरे वेल की तरफ टिल्ट होने की संभावना होती है। इसी टिल्ट से बचने के लिए सर्कुलर को छोड़कर डिफरेंट शेप के वेल का यूज़ करते हैं। सर्कुलर वेल के बाद जनरली डबल डी शेप्ड वेल और डम्बेल वेल का उपयोग में लाया जाता है। इस पिक्चर में टिल्ट को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बी, बॉक्स कैजन। यह फ्लोटिंग कैजन कहलाता है। यह वहाँ यूज होता है जहाँ लोड हेवी नहीं होता है और बियरिंग स्टेटम सैलो फाउंडेशन डेप्थ पर मिलता है। डिसएडवांटेज। फाउंडेशन बेड को एडवांस में ही प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। सी, पेन्यूमेटिक कैजन्स। यहाँ वर्किंग चैम्बर कैजन के बॉटम में होता है, जिसमें फोर्सली वाटर प्रेशर के माध्यम से निकालकर इसे ड्राई किया जाता है और ड्राई कंडीशन में खुदाई होती है। एयर लॉक टॉप में प्रोवाइड की जाती है। जैसे जैसे एक्सकेवेशन होता है वैसे वैसे कैजन सिंक करता है। जब फाइनल डेप्थ को कैजन अचीव कर लेता है तो इसके बाद इसके वर्किंग चैम्बर को कंक्रीट से भर दिया जाता है। इससे हमें एडवांटेज यह है कि यहाँ सिंकिंग और सुपरविजन पर बेटर कंट्रोल होता है। यहाँ बॉटम चैम्बर ड्राई कंडीशन में फिल होता है, जो कि इफेक्टिव फिलिंग होता है। यहाँ किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या बुल्डर आसानी से हटाया जा सकता है। इस पिक्चर में पेन्यूमेटिक कैजन्स को दिखाया गया है। पेन्यूमेटिक कैजन का नुकसान। इसका कॉस्ट हाई होता है। यहाँ हायर प्रेशर में काम करना होता है, जो एक साधारण आदमी के लिए कष्टदायक।